Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Good evening all, welcome to the official channel of testbook.com. I am Rituraj Awasthi, your educator of GS. Testbook ke official channel par sabhi ka swagat hai, sabhi ko greetings. Aur bilkul yahan par video play ho chuka hai. Prachi ji, good evening. Good evening Orbit ji, good evening Kirti ji, Prachi ji, Biki, Brahmadev ji, Yogesh Kohli ji, Ajit Yadav ji, sabhi ko good evening. Sabhi log yahan par jude hain. Aaj hum जो जी का रैपिड फायर मतलब हम 90 क्वेश्चंस यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 45 मिनट में. और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे किसी न किसी इन्वेंशन और किसी न किसी डिस्कवरी पर बेस्ड होंगे. मतलब किस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या चीज़ खोजी है ये हम यहाँ पर जानेंगे. ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, अपना अटेंडेंस लगाना है, अटेंडेंस में मार्क कर दो प्रेजेंट. सभी लोग अगर प्रेजेंट है तो तब तक मैं आपको कुछ ऑफर्स के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारे सेशन की तरफ. कंप्यूटर जी स्लाइड दिखाएंगे आपको यहाँ पर स्क्रीन में. सबसे पहली स्लाइड देखिए, यहाँ पर जो सारे के सारे कोर्सेज हैं टेक्स्ट बुक के, उनमें बिगेस्ट डिस्काउंट चल रहा है और कोर्स आपका 99 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं. तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए और ख़ुद को रजिस्टर कीजिए. फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं बहुत सारे टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर. और ये जो सारे के सारे फ्री कोर्सेज हैं इन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, इनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं जाकर के, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. एक पर्टिकुलर ईयरली पास आपको मिल रहा है, पास ऑफर 399 रुपीज़ में ओनली, लिमिटेड पीरियड ऑफर है. TTP टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पर आपको 4 लाख पर एनम अर्न करने का मौका मिलता है. इसके लिए भी आप जो टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें विजिट करें. और SSC CGL लाइव बैच, जो टायर 1 की पूरी तैयारी, तो अभी टाइम है आपके एग्जाम में, आप ये बैच को ज्वाइन करके पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, सिलेबस यहाँ से कवर कर सकते हैं. और CHSL की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CHSL के लिए भी आपके सामने एक स्पेशल बैच है जो टायर 1 का, और इसे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को. और अब हम चलेंगे हमारे सेशन की तरफ. तो कंप्यूटर जी ने तुरंत हमें स्क्रीन पर लेकर के आया है. कंप्यूटर जी अब स्लाइड्स दिखाएंगे, आपको क्या करना है, आपको आंसर बताते जाना है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन. पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जोनास ई सॉल्क, रिचर्ड टेलर, कार्ल जॉन्स्की. तो जल्दी से आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा. ठीक है, एक मतलब रोल नंबर, योगेश कोहली जी जो हमेशा क्लास को अटेंड करते हैं उनका जो नंबर होता है वो 1 होता है. ठीक है, और जो लोग नए ज्वाइन कर रहे होते हैं उनको अपना अटेंडेंस लगाना होता है, कितना अटेंडेंस लगाना होता है, 3. ओके, तो सभी लोगों ने अटेंडेंस भी लगा दिया है. तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विकी जी ने सबसे पहले आंसर किया है कि इसका राइट आंसर होएगा 2, जोनास ई सॉल्क. जोनास ई सॉल्क के द्वारा यहाँ पर खोजा गया था आपका जो पोलियो का वैक्सीन है उसको यहाँ पर खोजा गया था इनके द्वारा. ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब है, रदरफोर्ड साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे. रिचर्ड टेलर जी की अगर बात करें तो ये नोबेल प्राइज जीता था इन्होंने 1990 में, फिजिक्स में इन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज जीता था. कार्ल जॉन्स्की, इन्होंने क्या किया था, फाउंडिंग फिगर्स ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी. रेडियो एस्ट्रोनॉमी पर इन्होंने क्या किया था, आपका जो खोज की थी, मतलब रेडियो खगोल विज्ञान के संस्थापक का एक चेहरा है ये. अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज इन्वेंशंस मैच द करेक्टली. नीचे वैज्ञानिकों और उनकी खोजों आविष्कारों की सूची दी गई है, उनका सही मिलान करना है आपको. यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्रिश्चियन ह्यूजेंस जनरेटर, जोसेफ लेसर एंटीसेप्टिक, पेसेंटी पेंडुलम और हेनरी हर्ट्ज रेडियो वेव. तो बिल्कुल स्वागत है अनंत डांगा जी आपका, आप हमारे चैनल पर नए हैं. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर अगर हम देखें तो कौन सा रहेगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड वाला. अगर हम क्रिश्चियन ह्यूजन की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो खोजा गया था दैट इज पेंडुलम क्लॉक. फिर अगर हम बात करते हैं जोसेफ लेसर की, तो जोसेफ लेसर ने आपका खोजा था एंटीसेप्टिक को. पेसेंटी आपका जनरेटर से संबंधित है, और हेनरी हर्ट के द्वारा खोजा गया था आपके रेडियो वेव्स को. ठीक है,
ओके योगेश कोहली जी, बिल्कुल जूम करेंगे। अभी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई पड़ गया होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर बता दिया है इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट बार से अगर टेबल रहेगी तो मैं उसे जूम करवा दूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? जे.जे. थॉम्सन, मैक्स बॉर्न, एंटोनी लेवोजियर और मेंडलीब। तो सभी को यहाँ पर पता है कि राइट आंसर इसका क्या होएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका जे.जे. थॉम्सन, ठीक है। जे.जे. थॉम्सन इज द राइट आंसर, जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है। मैक्स बॉर्न की अगर बात करते हैं तो ये आपका मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। और एंटोनी लेवोजियर की बात करते हैं तो ये आपका जो फ्रेंच जो थे, फ्रेंच से बिलोंग करते थे, इन्होंने किया था एक लार्ज इन्फ्लुएंस जो केमिस्ट्री का हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। मेंडलीब साहब की अगर बात करें तो ये आपका संबंधित है किससे, पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। मेंडलीब की आवर्त सारणी आती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जे कैपलर इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ, जे कैपलर के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, प्लैनेटरी मोशन और मैग्नेटिज्म। तो आप सभी को जो कैपलर के बारे में पता होगा, कैपलर इफेक्ट, जब हम प्लैनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, प्लैनेट मोशंस की बात करते हैं तो आपका नाम किसका आता है, प्लैनेट मोशन के समय पर नाम आता है आपका जे कैपलर का। इनके द्वारा जो किया गया था आपका डिस्कवरी की गई थी लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो हमारे ग्रह हैं, ग्रहों की गति कैसे है उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु इन्वेंटेड स्पेस रन, स्पेस पेन, स्पेस पेन का आविष्कार किसने किया था? पॉलसी फिशर, रोडोल्फ डीजल, रिचर्ड टेलर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्पेस पेन की बात हो रही है, अरे याद है सभी को, थ्री इडियट्स देखी होगी ऑलमोस्ट सभी ने, जो वीरू सहस्र बुद्धि जिन्हें वायरस कहा जाता था, तो क्या करते थे कि स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन नहीं चलता, स्पेस पेन, तो ये वही वाला स्पेस पेन है, ठीक है, जो आपका वीरू सहस्र बुद्धि जी के उसमें लगा था, यहाँ से आप याद कर सकते हो। बट खोजा किसने था, तो वहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा किसका, पॉलसी फिशर इज द राइट आंसर। पॉलसी फिशर के द्वारा क्या किया गया था, आपका स्पेस पेन को खोजा गया था, ठीक है। तो याद रहेगा ये क्वेश्चन, तो सभी को याद रहेगा, थ्री इडियट्स में जो स्पेस पेन था, स्पेस में बॉल पेन नहीं चलता, और जब रेंचो ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वहां पे पेंसिल क्यों नहीं यूज की गई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द बाइफोकल लेंस, निम्नलिखित में से किसने द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, एवेंजेलिस्टा टोरिकेली, एडवर्ड टेलर और अर्नेस्ट लॉरेंस। किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है, बाईफोकल लेंस, ठीक है। तो बाईफोकल लेंस यहां पर अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाईफोकल लेंस यहां पर आ जाएगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के द्वारा क्या किया गया था, आपका जो बाईफोकस लेंस है उसे खोजा गया था, ठीक है। अगर देखिए हम यहाँ पर एवेंजेलिस्टा टोरिकेली की बात करते हैं तो इनके द्वारा किसको खोजा गया था, आपका बैरोमीटर, इन्होंने खोजा था आपका बैरोमीटर को। एडवर्ड टेलर साहब ने खोजा था आपका, बनाया था हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था। अर्नेस्ट लॉरेंस की बात करते हैं तो ये आपका रिलेटेड है किससे, साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है आपके जो एडवर्ड लॉरेंस साहब हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, आपसे पूछा गया है यहाँ पर, जेनेटिक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई विच ऑफ दी साइंटिस्ट, अनुवांशिकी की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ग्रेगर मैंडल, डेमेट्री मेंडेलीफ, निकोला टेस्ला और नन ऑफ द अबब। ओके सो गाइस, एक दूसरे पर कमेंट करने की बजाय क्वेश्चंस के आंसर करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ब्रह्मदेव यादव जी कह रहे हैं आज ही पढ़ा था स्पीडी में, ओके सो जल्दी से आंसर बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेगर मैंडल। ग्रेगर मैंडल वॉज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स,
इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ग्रेगर मेंडल साहब को। अगर हम डेमेट्री मेंडलीव्स की बात करते हैं तो आपका किस से रिलेटेड है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बताया था। और जो निकोला टेस्ला है, निकोला टेस्ला आपका टेस्ला कॉइल से रिलेटेड है, ठीक है। बिल्कुल योगेश जी, आगे खुल रही है, जल्दी से आंसर करते जाओ। टेस्ला कॉइल जो थी ये किसके द्वारा खोजी गई थी, निकोला टेस्ला के द्वारा खोजी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द बैक्टीरियोफेज, जो जीवाणु भोगी है जिसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, ये बैक्टीरियोफेज किससे, मतलब किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो आपके उसमें डिमिट्री इवानोस्की, डब्ल्यू एम स्टैनली, फ्रेडरिक डब्ल्यू टोर्ट, जो फेलिक्स डी हेलरेल, किसके द्वारा खोजा गया था आप मोहित जंगीर जी, जहां पर देखो ऑप्शन में आदमी आ रहे हैं ना, जैसा आपने कहा है, ठीक है, मतलब जो गब्बर वाली सेना के आदमी हैं, तो जो आदमी आ रहे हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं, जिनके खोज से रिलेटेड थे ना, डिस्कवरी से, वो मैंने बताए थे, तो परेशान बिल्कुल ही नहीं होना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको सारी चीज़ें क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अगर हम देखें तो सी और डी यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, मतलब जो आपके फेडरिक डब्ल्यू टोआर्ट के साथ साथ जो फेलिक्स डी रेलहेल, तो डी रेलहेल यहाँ पर जो थे, इन दोनों ने यहाँ पर मिलकर के क्या किया था, आपका जो बैक्टीरियोफेज था इसको खोजा था, ठीक है। क्वेश्चन विक्की जी, मैं एक बार पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, किसके द्वारा आपका जो जीवाणु भोगी है, जीवाणु भोगी की खोज की गई थी, तो वो आपके जो फेडरिक डब्ल्यू टॉर्ट और फेलिक्स डी हेलरेल थे, तो इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर पूछा गया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज गिवन बाई हु अमंग्स दीज, क्रम विकास का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था, डिमेट्री मेंडलीफ, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल और नन ऑफ द अबव, किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। सभी को पता है आपको कि जो डिमेट्री मेंडलीफ है ये किससे रिलेटेड है आपके, ये रिलेटेड है पीरियोडिक टेबल से। ग्रेगर मेंडल ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका जेनेटिक्स से। ओके कंप्यूटर जी, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देंगे, फिर उसको जूम आउट कर देंगे, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, वैसे मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, सुनिएगा बस आप ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू लिस्ट, नेमली लिस्ट ए बी आर गिवन, लिस्ट ए कंटेन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड बी कंटेन द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन डन बाई देम, मैच द लिस्ट करेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं उनको बोला गया है जेरेसियस जैसन, रॉबर्ट हुक, एमिली बर्नर और रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ये है ना आपके जो डिस्कवरी से रिलेटेड है सारे के सारे, तो जो मैं इसका देखो आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं जो आपके जेरिस जैनसन साहब हैं, इनके दो ये कहाँ से बिलोंग करते थे आपका, ये बिलोंग करते थे नीदरलैंड से, फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, नीदरलैंड से बिलोंग करते थे। इनके द्वारा खोजा गया था आपका कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को खोजा गया था साल 1590 में। रॉबर्ट हुक की बात करें तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और इन्होंने खोजा था किसको, सेल को खोजा था 1665 में। जो एमिली वर्नर के द्वारा जो आपका खोजा गया था, ये माइक्रोफोन था जो इन्होंने खोजा था कब, 1876 में। और ये बिलोंग कहाँ से करते थे आपका, जर्मनी से बिलोंग करते थे। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो खोजा गया था वो था आपका न्यूक्लियस, और कब इन्होंने खोजा था, तो 1831 में। ये बिलोंग करते थे आपका स्कॉटलैंड से, ओके। तो राइट आंसर अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे।
ठीक है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो, ये पूछा गया है द टर्म क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी वॉज गिवन बाई विच ऑफ दीज इकोलॉजिस्ट। क्लाइमेक्स कम्युनिटी शब्द जो था ना, पारिस्थितिक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। योगेश जी मैंने इसलिए पढ़ करके सुना दिया था आपको, डोंट वरी बीकी जी, अभी से आपको जो है ना आगे हार्डली एक आध क्वेश्चन रहेगा जो टेबल के फॉर्म में होगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपका ऐसे ही हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक क्लेमेंट। फ्रेडरिक क्लेमेंट के द्वारा आपका जो ये दिया गया था, जैसे क्या बोला गया आपका जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी शब्द ये इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगर चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे ना, तो चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था आपका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया था कार्ल लिनियस, इनके द्वारा, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, इन्होंने बायोलॉजी में नॉमनक्लेचर के बारे में बताया था। फिर आ जाते हैं आपके अल्फ्रेड वॉल्स, अल्फ्रेड वेल्स की बात करें तो इन्होंने डेवलप किया था आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी इन्होंने डिस्क्राइब किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखो दो पर्टिकुलर टेबल दी गई हैं, टेबल जो यहाँ पर दो दी गई हैं, तो उन टेबल्स में अगर हम देखें तो एक साइड आपका क्या दिया गया है इन्वेंशंस, और दूसरे साइड दिए गए हैं साइंटिस्ट। तो किस साइंटिस्ट ने यहाँ पर कौन सा इन्वेंशन किया है ये आपको बताना है। तो चलो मैं यहाँ पर इसमें भी आपकी मदद कर देता हूँ, एयर ब्रेक, एयर ब्रेक जो थे ना ये आपके जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के द्वारा क्या किए गए थे, खोजे गए थे जो एयर ब्रेक्स थे इनके द्वारा, जो जॉर्ज वेस्टिंग्स थे इनके द्वारा खोजे गए थे आपका 1869 में। एमीटर की बात करें तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आपके एमीटर की, तो जो एमीटर है ना, एमीटर किसके द्वारा खोजा गया था आपका, जो फ्रेडरिक डेक्सलर थे, फ्रेडरिक ड्रेक्सलर, इनके द्वारा आपका खोजा गया था एमीटर। और ये जो थे ना आपके, तो ये कब खोजा गया था इनके द्वारा, ये आपका खोजा गया था 1884 में खोजा गया था। एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में आप सभी को पता होगा, जो युगन गोल्डस्टीन जी के द्वारा खोजा गया था, और एनोड रे एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था 1886 में। एसिड जो था ना, एसिड की खोज की गई थी एल्बर्ट हॉफमैन के द्वारा आपका खोज किया गया था, मतलब एसिड का, और ये इन्होंने खोजा था आपका 1938 में खोजा था, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मतलब पहले का सी, सेकंड का डी, फोर्थ का बी, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द कैथोड रे ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां पर हो जाएगा फर्डिनेंड ब्राउन, फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा आपका जो कैथोड रे ट्यूब है इसको यहां पर क्या किया गया था, खोजा गया था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें कि जो एमीटर है, जिसे देखो मैं, जो आपके फ्रेडरिक डेक्सलर साहब है, उनके द्वारा क्या खोजा गया था आपका, एमीटर को खोजा गया था। एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर जो फ्रांस से बिलोंग करते थे, इनके द्वारा आपका कैलोरीमीटर को खोजा गया था, कैलोरीमीटर को। कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा, तो यहाँ पर आपका क्या था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा, इनके द्वारा क्या खोजा गया था, ये खोजा गया था आपका मैग्नेटोमीटर, ठीक है, मैग्नेटोमीटर यहाँ पर इनके द्वारा खोजा गया था। तो जो आपके फर्नेट ब्राउंड हो गए, इनके द्वारा क्या खोजा गया था आपका, कैथोड रे ट्यूब, और फ्रेडरिक डेक्सलर के द्वारा एमीटर, एंटोनियो लेवोजियर के द्वारा कैलोरीमीटर, और कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा खोजा गया था मैग्नेटोमीटर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया है आपसे यहाँ पर द वेसिलस माइकोबैक्टीरियम टीबी दैट कॉज टीबी वॉज डिस्कवर्ड बाई, टीबी का मतलब होता है बच्चों ट्यूबर क्लोसिस,
तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी उत्पन्न करने वाला जो कीटाणु है, जिसको माइकोबैक्टीरियम टीबी की खोज किसने की थी, ये आपको बताना था। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, रॉबर्ट कोच के द्वारा आपका इसको खोजा गया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो जो टीबी है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस आपका बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसके द्वारा यहाँ पर इसको खोजा गया था। यहाँ पर देखो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि साल 2019 में जो था ना, तो थीम क्या थी आपका, इट्स टाइम मतलब कि ये समय है टीबी को क्या करने का, हटाने का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, चेचक सभी को पता है, चेचक के टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था, सर फेडरिक ग्रांड बैटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर और एडवर्ड जेनर। तो यहां पर देखो किसके द्वारा खोजा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर साहब ने, जो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स की टीके का जो आपका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये लुई पास्चर साहब की बात करें तो इनके द्वारा खोजा गया था आपका, जिसको पास्चराइजेशन कहा जाता है, फ्रेंच से बिलोंग करते थे, फ्रांस से, पास्चराइजेशन खोजा गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेंसिलिन की खोज की थी, और जो फेडरिक ग्रैंड वेटिंग है, इन्होंने ये आपके को इन्वेंटर थे, किसके, इंसुलिन के को इन्वेंटर थे। इंसुलिन आप सभी को पता होगा कि जो डायबिटीज के उसमें लगाया जाता है वो इंसुलिन कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट विच ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस डिस्कवरीज। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्टली कौन मैच्ड है। तो यहां पर अगर हम इसके करेक्टली मैच्ड की बात करें तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, एस्पिरिन, जिसे आपका फेलिक्स हॉफमैन के द्वारा क्या किया गया था, खोजा गया था। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपका जो पॉलीथीन की बात करें तो जो पॉलीथीन किन के द्वारा खोजा गया था, पॉलीथीन जो था ना ये खोजा गया था आपका, नाम आ जाएगा यहाँ पर एरिक फॉसेट इनके द्वारा खोजा गया था। हाइड्रोजन की खोज यहां पर किसके द्वारा की गई थी, हेनरी कैविडिस के द्वारा खोज की गई थी। ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो इनके द्वारा क्या खोजा गया था, विलियम स्टैनली थे इनके द्वारा खोजा गया था आपका ट्रांसफॉर्मर को। ठीक है, अब देखो जो जेनी एंटोनियो नॉलेट थे, इन्होंने खोजा था आपका ऑस्मोसिस को। जॉन डाल्टन, इनके द्वारा आपका एटम को खोजा गया था। और निकोला टेस्ला के द्वारा खोजा गया था आपका जो इंडक्शन मोटर था, टेस्ला वायर जिसे कहा जाता था, ये यहाँ पर इनके द्वारा खोजा गया था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड माइक्रोवेव ओवन, इनमें से किसने माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किया था, पर्सी स्पेंसर, जजरियास जॉनसन, एमिल बर्नर और माइकल फैराडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पर्सी स्पेंसर के द्वारा माइक्रोवेव को खोजा गया था। अगर हम जचरियास जॉनसन्स की बात करते हैं तो इन्होंने आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसे खोजा गया था, याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एमिल वर्लिनर की अगर बात करें तो इन्होंने क्या खोजा था आपका, ये आपका खोजे थे कार्बन बटन माइक्रोस्कोप जो था, कार्बन बटन माइक्रोस्कोप इनके द्वारा खोजा गया था। और माइकल फैराडे साहब के द्वारा खोजा गया था आपका इलेक्ट्रिक मोटर को माइकल फैराडे ने खोजा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड एस्प्रिन का आविष्कार इनमें से किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फेलिक्स हॉफमैन, एंटोनी वैन ल्यूनहॉक और रॉबर्ट हुक। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा आपका, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा फेलिक्स हॉफमैन के द्वारा जो आपका एक मेडिसिन जिसे हम कहते हैं एस्प्रिन, ये खोजा गया था। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है कीर्ति सेठी जी, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, फेलिक्स हॉफमैन इज द राइट आंसर, दिमाग में बैठा लीजिएगा। कंफ्यूजन, एक इंसान जो कंफ्यूज होता है ना, वो कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है।
एकदम 100% नॉलेज, 100% आपको उस पर बिलीव करना है, 100% उसको कायम रखना है, दैट इज एस्पिरिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज की थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया ही था। फिर जो आपका एंटोनी वैन लीवेनहॉक, ये आपका जो थे ना बैक्टीरिया इनके द्वारा खोजा गया था। और रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करते तो इन्होंने खोजा था आपका सेल को। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि वेयर वॉज पेपर इन्वेंटेड, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। कागज जो हम सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग भी आपका यूज करते होंगे जो पेपर वगैरह है, तो इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चाइना, इंडिया, जाम्बिया और जर्मनी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, चाइना, चीन हो जाएगा। चीन में यहाँ पर जो कागज है, कागज का जो आविष्कार किया गया था। और चीन अगर देखें तो हान डायनेस्टी हान वंश हुआ करता था चीन में, उसके समय पर इसे क्या किया गया था, खोजा गया था। हान वंश के समय पर उसे खोजा गया था। और जो आपका कैपिटल अगर हम बात करेंगे तो रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो क्या है, बीजिंग है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है व्हाट डिड एडवर्ड जेनर पायोनियर ने क्या किया था, वैक्सीनेशन, इलेक्ट्रोक्यूशन, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी। ओके, तो चाइना के राष्ट्रपति कौन है, याद होगा सभी को, सी जिनपिंग बिलोंग्स फ्रॉम द चाइना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, वैक्सीनेशन। एडवर्ड जेनर साहब जो थे, इन्होंने टीकाकरण की खोज की थी और इन्होंने 1796 में खोजा था आपका स्मॉल पॉक्स का टीका, 1796 में जो चेचक स्मॉल पॉक्स होता है उसके टीके की इनके द्वारा खोज की गई थी। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है हु इन्वेंटेड द बाईफोकल ग्लास, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया। ये मैंने आपको बताया था कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो आपका बाईफोकल ग्लास है उसे खोजा गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन, सबसे ज्यादा बीमारी की जड़ है ना, सभी लोग व्यस्त रहते हैं ना, हर किसी का जो टाइम होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम किस में जाता है, आपका मोबाइल फोन में जाता है। तो ये जो मोबाइल फोन में आपका मैक्सिमम टाइम जाता है ना, तो ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, वो नाम अब आपके सामने है, ठीक है, याद कर लेना कि कौन से महानुभाव थे जिन्होंने आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मार्टिन कूपर इज द राइट आंसर, जिन्होंने क्या किया था आपका मोबाइल फोन या सेल फोन का आविष्कार किया था। ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिन्होंने क्या किया था आपका मोटोरोला रिसर्च एंड एग्जीक्यूटिव को इन्होंने वो किया था, ठीक है। तो फर्स्ट सेल फोन जो यूज किया गया था ना, जो यूज किया गया था वो भी किन के द्वारा प्लेस हुआ था आपका मार्टिन कूपर के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हु इन्वेंटेड द बैंडेड, जो बैंडेड होता है जो पट्टी होती है ना, पट्टी यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी, अकेले को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, ओके, तो सबको क्रेडिट दे दो, पूरी दुनिया ने भी तो उनके जो आविष्कार था उसको क्या किया था, बहुत ज़्यादा वो किया था, बट सबसे पहले वही थे, ठीक है, फर्स्ट जो थे ना, फर्स्ट पर्सन वही थे, ठीक है। अमित सिन्हा जी, ऑर्बिट जी, तो चपेदार पट्टी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था आपका, आर्ले डिक्शन, एलन गैंग, लुई पाश्चर और फ्रैंक एप्सन। तो किसके द्वारा यहाँ पर खोजा गया था, अरे भाई आंसर करो जल्दी से, है ना, कोहली जी, कोहली की तरह बैटिंग करनी है एसएससी में, याद रखना कोहली की तरह बैटिंग, मतलब आपको इतने मार्क्स, इतने नंबर लेकर के आने हैं कि आप कहीं ना कहीं जल्दी प्लेस हो जाओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अर्ले डिक्शन इसका राइट आंसर रहेगा, जिनके द्वारा जो आपका बैंडेड है, बैंडेड को खोजा गया था। और ये जो आपका बैंडेज है ना, तो बैंडेज यहाँ पर किससे, ये फार्मासिस्ट थे मेडिकल, जो आपका जॉनसन्स एंड कंपनी आपने सुना होगा, तो उससे रिलेटेड है ये। अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न स्टीम टर्बाइन, इनमें से किसे आधुनिक स्टीम टर्बाइन की खोज के लिए जाना जाता है, रॉबर्ट कोच, जॉनी सेल्क और इवेंजलिस्ता टॉरिकेली, चार्ल्स पांसर्स, कोहली की गोली। ओके, तो इसका जो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा चार्ल पांसर, इनके द्वारा जो है ना आपका ये खोजा गया था, जो मॉडर्न आपका आधुनिक टर्बाइन को इनके द्वारा खोजा गया था, कब, 1884 ईयर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था ये,
1884 में आपका जो ये था, यहाँ पर क्या हुई थी, इसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया। जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है ये किसके द्वारा खोजा गया था, ये आपको बताना है। रॉबर्ट को, जेम्स वॉटसन, कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के द्वारा आपका जो ये डिस्कवर किया गया था, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया कहा गया, ठीक है, याद रहेगा। ओके, आप प्राची आनंद जी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा आपको, आज की क्लास का भी मिलेगा, प्रीवियस क्लास का भी पीडीएफ रहेगा, ठीक है। अगर नहीं मिले तो आप क्या करिएगा, टेलीग्राम पर मुझे पिंग कर देना, मैं वहां पर भी आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वॉज प्रोपोनेंट बाई, जो उत्परिवर्तन म्यूटेशन था, म्यूटेशन के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर, वॉन ल्यूनहॉक और ह्यून डी व्रीज और विलियम हार्वे। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका, ह्यूगो डे व्रीज। ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा आपका जो है ना खोजा गया था, किसको, ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था आपका 1901 में इन्होंने क्या दिया था आपका, म्यूटेशन, म्यूटेशन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और इन्होंने जो आपके कार्ल लैंडस्टीनर साहब थे, तो किससे रिलेटेड है आपका, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। ल्यूनहॉक की बात करते हैं तो आपका बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड है। और विलियम हार्वे जो थे ना, तो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द डिजिटल कैमरा, जो डिजिटल कैमरा है, कैमरा ने देखो क्रांति ला दी है हर तरफ से, तो ये कैमरा किसके द्वारा खोजा गया था, ये आपको बताना है। अलेक्जेंडर पार्क्स, स्टीवन सेसन और एलेसेंड्रो वोल्टा, विक्टर हेस। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, स्टीवन सेशन। स्टीवन सेशन के द्वारा आपका खोजा गया था जो डिजिटल कैमरा है, और ये आपका जो डिजिटल कैमरा है तो यहां पर उनके द्वारा खोजा गया था। देखो अलेक्जेंडर पार्क्स, अगर हम इनकी बात करते तो इन्होंने सेल्यूलॉइड जो था, सेल्यूलॉइड की डिस्कवरी की थी। और एलेसेंड्रो वोल्टा, एलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा आपका जो बैटरी है, बैटरी होती ना मोबाइल फोन वगैरह सब में लगी होती, बैटरी की खोज की गई थी। विक्टर हेस, विक्टर हेस के द्वारा खोजा गया था आपका जो कॉस्मिक रेज हैं, उनको खोजा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स वॉज इन्वेंटेड बाई न्यूटन, न्यूटन के ने गणित की निम्नलिखित में शाखाओं में से किसकी खोज की थी। तो न्यूटन जी की जब भी बात आती है तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कैलकुलस, जिसे गणना कहा जाता है, ठीक है। कैलकुलस जो आपका गणना है, उसकी खोज की गई थी। देखो कैलकुलस तो आइजक न्यूटन साहब के साथ द्वारा खोजी गई थी। जो लॉजिक, जिसको हम तर्कशास्त्र कहते हैं, तो तर्कशास्त्र लॉजिक किनके द्वारा खोजा गया था आपका, एरिस्टोटल, अरस्तु जिन्हें कहा गया। एरिस्टोटल सिकंदर के गुरु थे और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। एल्जेब्रा की बात करते हैं तो जो एल्जेब्रा है ये किनके द्वारा खोजा गया था, मोहम्मद इयान मूसा अल खाजवानी ख्वारिजमी, मोहम्मद इब्र मूसा अल ख्वारिज्मी के द्वारा आपका जो बीजगणित है, जिसको अलजेब्रा कहा गया, वो खोजा गया था। और जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री खोजा गया था आपका यूक्लिड के द्वारा, यूक्लिड के द्वारा आपका ज्योमेट्री को खोजा गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द ब्राउनोनियन मोशन वॉज डिस्कवर्ड बाई, ब्राउनोनियन मोशन को द्वारा खोजा गया था, मेंडल ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, जॉन ब्राउन और आइजक न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा आपका जो खोजा गया था जो ब्राउनोनियन मोशन था, ऐसे खोजा गया था। मूसा हीरापुर वाला से याद रख लीजिएगा कि जो मूसा हीरापुर वाले थे, उन्होंने क्या खोजा था आपका, बीजगणित, जिसको अलजेब्रा कहा गया, ठीक है। कीर्ति जी वेरी गुड, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर स्पिनिंग फ्रेम वॉज इन्वेंटेड, जो स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो स्पिनिंग फ्रेम की जब भी बात होती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1769। और रिचर्ड आर्कवेट इनके द्वारा ऐसे क्या किया गया था आपका, इन्वेंट किया गया था, इनके द्वारा इनको खोजा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अपार्ट फ्रॉम डिस्कवरिंग अल्टरनेटिंग करेंट, निकोला टेस्ला आल्सो इन्वेंटेड,
जो प्रत्यावर्ती धारा जो एटी अल्टरनेटिंग करंट होता है ये खोजने के अलावा इन्होंने क्या खोजा था, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एसी मोटर। अल्टरनेटिंग करंट का जो मोटर था वो भी इनके द्वारा ही क्या किया गया था, जो टेस्ला साहब थी इनके द्वारा खोजा गया था। जो डीसी मोटर की अगर बात आती है तो डीसी मोटर और फोनोग्राफ ये जो था ना, थॉमस एल्वा एडिशन, डीसी मोटर और ये सारा कुछ किनके द्वारा, जो एडिशन साहब थे थॉमस एल्वा एडिशन, इनके द्वारा खोजा गया था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, विच साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की अवधारणा की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, एल्बर्ट आइंस्टीन, मैरी क्यूरी, नील बोर और हेनरी बैकेरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका हेनरी बैकेरल, जिनके द्वारा आपका रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ये सभी को पता है। मैरी क्यूरी के द्वारा जो खोजा गया था, जो उन्होंने रेडियम और जो अदर मेटल्स थे वो यहाँ पर इनके द्वारा खोजे गए थे। और नील बोहर साहब ने दिया था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपका क्वांटम प्रिंसिपल था, या क्वांटम थ्योरी जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द लेड यूज्ड इन पेंसिल इज मेड बाय मिक्सिंग ग्रेफाइट विद क्ले, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड दिस प्रोसेस। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाले लेड को ग्रेफाइट को चिकनी मिट्टी के साथ मिलाकर बनाया जाता है, किस वैज्ञानिक के द्वारा इस प्रक्रिया का आविष्कार किया गया था, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इस प्रक्रिया का आविष्कार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निकोलस जैक्स कांटे के द्वारा यहाँ पर इसको खोजा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज व्हाट्सएप स्टार्टेड, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न जहाँ पर आप लोग क्या करते हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप, ठीक है। तो व्हाट्सएप की जो शुरुआत है किस वर्ष में हुई थी ये आपको बताना है, मतलब आज जो आपका समय वेस्ट हो रहा है वो कब से शुरू हुआ। देखो बच्चों एक चीज़ याद रखना, पुराने ज़माने में लोगों के पास प्राइवेसी हुआ करती थी और लोग इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। आज के ज़माने में ना तो लोग इंडिपेंडेंट हैं ना ही उनके पास प्राइवेसी बची है। आप गूगल मेल यूज़ करते हैं ना, तो जीमेल आप कहाँ कहाँ गए थे, कितने समय समय तक रुके थे, वो तक उसके पास रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। मतलब आज के इंसान की कोई भी प्राइवेसी नहीं है। अगर ये कंपनियां लुढ़क गई हैं, इनको किसी ने हैक कर लिया, तो सारा आपका पर्सनल डेटा क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009, व्हाट्सएप नहीं अब टेलीग्राम। ओके, तो टेलीग्राम आएगा आगे, व्हाट्सएप की फिलहाल अगर देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द बैरोमीटर, इनमें से किसने बैरोमीटर का आविष्कार किया था ये आपको बताना था। 2007 में आपने यूज़ किया था BHKGE, ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो जब उन्होंने बनाया था तो वो अपने कॉलेज में उपयोग किया करते थे, यूज़ किया करते थे, उसके बाद उन्होंने उसको ग्लोबली लॉन्च किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एवेंजेलिस्टा टॉरी सेली के द्वारा आपका जो बैरोमीटर है इसकी खोज की गई थी, इसको डिस्कवर किया गया था। द स्पीड ऑफ लाइट वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो प्रकाश है प्रकाश किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था ये आपको बताना है, स्पीड ऑफ लाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओलाउस रोमर के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, ओलाउस रोमर के द्वारा इसे आपका खोजा गया था, जो मीजर किया गया था। और स्पीड ऑफ लाइट होता कितना है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश की जो पोएट्रीज हैं, जो अंग्रेजी की कविताएं हैं, उनका फादर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश की जो पोएट्रीज हैं उनको अगर हम देखें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्योफ्री चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। बैकन साहब की बात करें तो इन्होंने आपका इंग्लिश के जो ऐसे होते हैं ये इससे रिलेटेड है। एडम स्मिथ साहब रिलेटेड हैं आपका इकोनॉमिक्स से। जो चार्ल्स वेवेज हैं ये किससे रिलेटेड हैं, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, होम्योपैथी वॉज इन्वेंटेड बाई, होम्योपैथी का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। सैमुअल हैनीमैन, फेडरिक बैटिंग, यूजेन गोल्डस्टीन, रिचर्ड गैटलिंग। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका सैमुअल हैनीमैन, इनके द्वारा जो था आपका इन्वेंट किया गया था, होम्योपैथी को इन्वेंट किया गया था।
ठीक है, अगर हम फैड्रिक बैंडिंग की बात करते हैं तो ये रिलेटेड है आपका किससे, इंसुलिन से रिलेटेड है, और जो गोल्डस्टीन साहब हैं ये रिलेटेड है आपका एनोड रे से, रिचर्ड गैटलिंग आपका रिलेटेड है मशीन गन, ठीक है, जो मशीन गन चलाते हैं ना वो मशीन गन से रिलेटेड है आपके रिचर्ड गैटलिंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, केवलर इज यूज टू मेक बुलेट प्रूफ वॉस्ट, केवलर हैज एक्सीलेंट क्रायोजेनिक प्रॉपर्टी, केवलर इज अ पॉलीमर। तो यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब बाकी के भी बताए हैं ऑर्बिट जी, जितने आपके अपने लिए जरूरी है वो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है, बट चूंकि 90 क्वेश्चन अपन को करने हैं तो अपन जल्दी जल्दी चलेंगे, थोड़ा ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑल आर द करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ बाइनोकुलर, दूरबीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टू मीजर द हीट रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको उपयोग करने के लिए आपका दूरबीन या जिसको बाइनोक्युलर कहा जाता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज किया जाता है आपका बैरोग्राफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज किया जाता है बैरोग्राफ, और जो आपका मतलब कंटिन्यू जो रिकॉर्डिंग किया जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम देखें तो यहाँ पर बैरोमीटर आ जाएगा, और मीजर द हीट रेडिएशन, तो हीट रेडिएशन के लिए आपका जाता है बोलोमीटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन, पोलियो के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो पोलियो के टीके का आविष्कार अगर हम देखें तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ओके, ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके थे, सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड डायनेमो, ठीक है, पोलियो वाला तो मैंने बता दिया था, डायनेमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो डायनेमो की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकल फैराडे, माइकल फैराडे के द्वारा आपका जो डायनेमो है, डायनेमो का आविष्कार किया गया था, ठीक है। और जो आपके एचडब्ल्यू सीले की बात करें तो एचडब्ल्यू सीले के द्वारा खोजा गया था, जिसको मैथमेटिशियन थे आपका, ये मैथमेटिशियन थे। और जेड जॉनसन्स की बात करें तो ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप इनके द्वारा खोजा गया था। डब्ल्यू स्टोरगन की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट था उसको खोजा गया था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बाय हुम वाज द सेम जेनेटिक्स कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जेनेटिक्स नाम किसके द्वारा कॉइन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम वेटसन के द्वारा पहली बार आपका जो इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ड, जिसको जेनेटिक्स कहा गया 1905 में। और जो आपके ग्रेगर मेंडल हैं, ग्रेगर मेंडल को यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ वेव, वेव का आविष्कार किन के द्वारा किया गया था, ठीक है, वेव का जो आविष्कार है वो किन के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो आपका वेव है, वेव का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, जर्मनी के थे ये जिनके द्वारा इन्होंने खोजा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया हु इन्वेंटेड द जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सर फ्रैंक विटल, निकोला टेस्ला और रॉबर्ट फुल्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रैंक विटल के द्वारा आपका खोजा गया था जो जेट इंजन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इनके द्वारा आपका जो लाइटिंग रॉड है, लाइटिंग रॉड को खोजा गया था, और निकोला टेस्ला ने खोजा था आपका जो अल्टरनेटिंग करंट था उसको, और रॉबर्ट फुल्टन ने खोजा था आपका स्टीम बोट को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि साइंटिस्ट का नेम दिया गया है, दूसरे साइड आपका उनके द्वारा खोज दी गई है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि भाई किस साइंटिस्ट ने कौन सा जो खोज किया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो लुइस विक्टर डी ब्रोगली थे, इनके द्वारा क्या खोजा गया था आपका वेव नेचर ऑफ मैटर, जो इन्होंने वेव नेचर ऑफ मैटर लुइस डी ब्रोगली ने खोजा था। फिर यहाँ पर अगर हम एम एन साहा की बात करें तो इनके द्वारा क्या खोजा गया था आपका थर्मल आयोनाइजेशन खोजा गया था। और वॉल्फगैंग पॉली के द्वारा जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ये आपका खोजा गया था।
ठीक है, तो इनमें आपको विचार करना था, तो करेक्ट यहाँ पर कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ओनली थ्री, सिर्फ ये वाला करेक्ट है, बाकी दोनों की अगर हम बात करें तो करेक्ट नहीं है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो ये किन के द्वारा खोजा गया था? आपका एनरिक फर्मी के द्वारा, और क्वांटम स्टैटिक्स जो था ये आपका एस एन बोस के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा हंस लिपर्सी, हंस लिपर्सी के द्वारा आपका खोजा गया था, हंस लिपर्सी के द्वारा खोजा गया था टेलीस्कोप को। यहां पर देखो बताया मैंने, राइट आंसर वहां पर क्या है, हंस लिपर्सी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द पोर्टलैंड सीमेंट? निम्नलिखित में से किसने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी? ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट यहां पर किसने खोजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ एस्पडीन, जोसेफ एस्पडीन के द्वारा खोजा गया था आपका पोर्टलैंड सीमेंट। और जो जोसेफ प्रिस्टले थे इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था ऑक्सीजन को। एलेक्जेंडर पार्क्स की बात करते हैं तो इन्होंने डिस्कवर किया था प्लास्टिक को। एडवर्ड जेनर, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखो आपसे फॉलोइंग का क्या करना है, मिलान करना है, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कि जो रेजर, रेजर जो इलेक्ट्रिक जो नायलॉन है, नायलॉन की अगर हम बात करें तो किन के द्वारा? वेल्स क्रॉडल्स, इनके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, जो आपके रेजर थे, रेजर के द्वारा क्या खोजा गया था? रेजर जो थे तो इन्होंने मतलब इन्वेंट किया था, किसने? कर्नल जे सेचिक के द्वारा खोजा गया था। रेडियो की अगर हम बात करते हैं तो जो रेडियो है ये मैक्रोनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, जी मार्कोनी के द्वारा खोजा गया था। और जो रिवॉल्वर, रिवॉल्वर जो होता है ना, तो रिवॉल्वर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सैमुअल कोल्ट के द्वारा खोजा गया था, सैमुअल कोल्ट के द्वारा खोजा गया था। आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है आपका फादर ऑफ कंप्यूटर्स। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जॉन मैकार्थी आपके फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। और हिप्पोक्रेटस की बात करते हैं तो ये आपका फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट फॉर द टुडे सेशन, आज के लिए इतना ही। और जो हमारा जीके रैपिड फायर आज इन्वेंशन और डिस्कवरी का टॉपिक था, इसके मैंने आपको 90 क्वेश्चंस करवाए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस होप यू लाइक द सेशन, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगला जो अपन जीके रैपिड फायर रखे तो अगले जीके रैपिड फायर में क्या आप पढ़ना चाहेंगे, कौन सा टॉपिक हम अगले जीके रैपिड फायर में रखें, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। और अगर टेस्ट बुक के ऑफिशियल चैनल पर आप नए हैं तो टेस्ट बुक के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी क्लासेस हमेशा मिलती रहे। ओके, सो गाइज थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।